फ्रेंड आपके पास बरगद का पेड़ है तो आप इसकी, फ्रेंड मैं ये बरगद के पेड़ को रिपोर्ट कर रही हूँ, ये 3 साल से इसी में लगा हुआ है। अच्छी ग्रोथ के लिए मुझे रिपोर्ट करना पड़ रहा है और मेरा ये बोनसाई है, मैंने खुद कटिंग से बनाया है इसको, इसका मदर प्लांट बालकनी गार्डन में रखा हुआ। इस तरह से मैंने 3-4 प्लांट कर लिए हैं तो ये फ्रेंड मैं इसको रिपोर्ट करूँगी। ये मैंने थोड़ा पहले से ही निकाल रखा है तो मैं आपके सामने इसमें से अब मैं इसको रिपोर्ट करना चाहती हूँ। तो हमको अपने पौधों की रिपोर्टिंग करते रहना चाहिए इस तरह। तो मैं इसकी मिट्टी हटा के अभी आपको दिखाती हूँ, इसकी पहले मैं मिट्टी हटा लूँ। तो फ्रेंड मैंने ये निकाल दिया है और मैंने निकालने के बाद इसकी कटिंग भी, इसकी मिट्टी हटा ली है। तो इस तरह से इसकी जो थोड़े बहुत इसकी जड़ें हैं उसको हटा दें। और फ्रेंड ये बहुत हार्डी प्लांट होता है, मैं इसके लिए कोई मिट्टी नहीं बनाऊंगी क्योंकि मिट्टी जो मैंने खाद अपने घर से बनाया था वो अभी ये रखा है अभी ये। तो फ्रेंड मैं इसी मिट्टी में इसको लगा दूंगी इसमें, क्योंकि ये मेरी बहुत अच्छी मिट्टी है जो मैं घर पे ही तैयार की है, इसमें मैं कुछ नहीं मिलाऊंगी इस तरह से। इस तरह से मैं इसको इसमें रख के इस तरह से रखूंगी फ्रेंड। पहले ये थोड़ा टेढ़ा हो गया था, इस तरह से सीधा रखूंगी। ऐसे मैंने इसको अपने सीधा लगा दिया। पहले ये जब मैंने इसमें लगाया था कटिंग से तैयार करने के बाद जब मैंने रिपोर्ट किया तो फ्रेंड ये थोड़ा टेढ़ा हो गया और उसके बाद फिर इसने 2-3 साल इसी में रहा है तो ये टेढ़ा ही था। तो अब मैंने इसको सीधा कर दिया है इस तरह से, इससे अब मैं डाल देती हूँ इसमें पानी। पानी फ्रेंड इतना डालना चाहिए जो ये पूरा पानी इसको सोख ले और ये नीचे से आपको निकलने लगे कि हाँ ये निकल रहा है, क्योंकि मिट्टी पूरी गीली हो जाएगी इस तरह से। तो फ्रेंड मैंने इसको रिपोर्ट किया है। अगर आपके पास भी कोई ज़्यादा दिन का पौधा एक ही गमले में लगा हुआ है तो आप, बहुत अच्छा सीजन है ये पौधे को रिपोर्ट करने का, तो आप भी ज़रूर करें। तो ये इसके लिए ज़्यादा कोई केयर करने की भी ज़रूरत नहीं है, अभी देखना अब इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ होगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना फ्रेंड, लाइक ज़रूर करना। लाइक करने से वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है, ये मैंने अभी YouTube पे ही सुना है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अगर लाइक करते हैं तो फ्रेंड मेरी मेहनत का फल मुझे मिल जाएगा। ये आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, लाइक ज़रूर करना और वीडियो, छोटी सी वीडियो है पूरी ज़रूर देखना। वीडियो पसंद आए तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट पे बताना कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। अभी इस पे देखो पत्ते भी नहीं निकलने लगे हैं। थैंक यू फ्रेंड।